भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरीनाथस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागर जातं सहगना रघुनाथांवितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम हरे हरे। हरे कृष्णा, आज नवे अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने श्लोक का उच्चारण रह गया था, अगर रह जाए तो आप मुझे स्मरण दिला दीजिए, कल मेरे ध्यान से निकल गया था, उसको कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ पहली पढ़िए। पहला है, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। इसका हम लोग अर्थ भी समझेंगे, बहुत सुंदर है। ये दूसरा जो श्लोक है ये भी शुद्ध भक्ति को परिभाषित करता है। ये भी नारद पंचरात्र से लिया गया है, नारद मुनि ने बोला है। ठीक है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव स्फृति यदः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव स्फृति यदः। अनाशक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्य उच्यते। अनाशक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्य उच्यते। तो जब तक कि आपका कोर्स खत्म हो जाए Level 3, तब तक हमें जो भक्ति रसामृत सिंधु के 4 श्लोक हैं और ईशोपनिषद के उपदेशानमृत के 4 श्लोक हैं और ईशोपनिषद के 3 श्लोक हैं, ये हमारे मुंह में एटलीस्ट मुख में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, उसको धीरे धीरे इसको स्मरण कर
स्मरण करते रहिए, डेली इसको पढ़ते रहिए, याद हो जाएगी। श्रील राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हमने क्या क्या देखा है, अभी क्या क्या पढ़ा है कल के अध्याय में, उससे पहले के अध्याय में, सातवें अध्याय में हमने क्या पढ़ा, भक्ति के अंगों के प्रमाण पढ़े जो हमने छठे अध्याय में पढ़ा था, उसका सिद्धांत जो 64 भक्ति कैसे की जाए, उसकी जो 64 सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों का विस्तार से हमने साक्ष्य प्रस्तुत, साक्ष्य भगवान रूप गोस्वामी पाद देते हैं कहाँ से उन्होंने ये सिद्धांत को लिया है, उस साक्ष्य को देखते हैं सातवें अध्याय में। तो यहाँ भक्ति सेवा के पहले 18 साधन यानी 10 प्रवृत्ति और पहले 8 निवृत्ति को आगे समझा गया है, ठीक है। ये हमने देखा, कल हमने क्या देखा, वर्जनीय अपराध देखा, ये अपराध क्या, कौन से अपराध है, भगवान की सेवा के प्रति कौन से अपराध निषेध है, कौन से अपराध है, बिल्कुल इसमें से 32 जो हमने पहले पढ़े हैं वो मुख्य हैं और इसके बाद भी अन्य बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये भक्ति सेवा के 19वीं वस्तु, भगवान के पवित्र नाम का जप करने या मंदिर में देवता की पूजा करने में विभिन्न अपराधों से सावधानी पूर्वक बचने का वर्णन किया गया है। 32 अपराध पूरक वैदिक लेखन में सूचीबद्ध है कि अन्य विशेष रूप से वराह पुराण से सूचीबद्ध है, पद्म पुराण में पाए गए पवित्र नाम के खिलाफ हम 10 अपराध यहाँ सूचीबद्ध। तो हमने 32 अपराध देखे जो वराह पुराण से हमने रूप गोस्वामी पाद लेते हैं, और अंत में पद्म पुराण में हमने क्या देखा, 10 नाम अपराध। तो कोशिश कीजिए ये 10 नाम अपराध हमें स्मरण हो जाए, और हरे जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो उस महामंत्र को हम उसको उसका उससे पहले उसको उच्चारण करें, ठीक है। इसके बाद हम 9वां अध्याय जाते हैं। तो वो 10वां 10 अपराध क्या है, पहले इसको बंद करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग पहले वो 10 अपराध को मैं आपको आपके सामने बोलूंगा, उसको एक एक करके आप म्यूट में ही उसको मेरे साथ रिपीट करने का कोशिश कीजिए, और ये भी हम कोशिश करेंगे जब शुरुआत में इन 10 नाम अपराधों को हर दिन बोलें, ठीक है। हर दिन बोलने से क्या है, ये हमारे मुख में होना चाहिए। सबसे पहला भगवत नाम के भागवतों जो श्रीमद जो भगवत भक्त हैं उनके उनकी निंदा करना जिन्होंने भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर दिया, पहला, ठीक है। दूसरा, शिव ब्रह्म आदि देवों को भगवान के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें सामान्य पुरुष समझना। चौथा, वैदिक प्रमाणों एवं शास्त्रों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना। छठा, हरे कृष्ण महामंत्र में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र को किसी वेद में वर्णित एक शुभ कर्म कांड के समान समझना। नवा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। और दसवां है, इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी इस पे पूर्ण विश्वास ना होना अथवा भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ठीक है। ये 10 नाम अपराध है, लेकिन इसके बाद भी आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने पड़ेंगे। क्या रिमार्क्स है कंक्लूडिंग, कि इसके अलावा इससे महत्वपूर्ण क्या है कि सावधानी पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। अतः प्रत्येक वैष्णव को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम, जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम, जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। तो ये 10 नाम अपराध हम कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग सभी लोग स्मरण कर लें, और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं दिन में, तो ये 10 नाम जरूर पढ़िए। चलिए।
नवा अध्याय शुरू करते हैं। ये लंबा अध्याय होने वाला है, इसको हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। हम नौवें अध्याय में क्या देखने वाले हैं? नौवें अध्याय में जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो पिछले अध्याय में अभी हमने 10 नाम अपराध पढ़े हैं, और अपराध जो भी पढ़े हैं हमने, उसके बारे में और विषय विवेचना है, उसका और एक्सप्लेनेशन है और विवेचना है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। सभी पॉइंट्स को कवर करना मुश्किल है, तो हम एक क्लास में खत्म करना हमारे लिए मुश्किल होगा। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहला महाभागवतों को, पहला हमारा 10 नाम अपराध में पहला क्या था? महाभागवतों की निंदा करना। ठीक है, तो इसको बस इतना तक पढ़िए, तो मैं इसका आपका अर्थ समझाता हूँ। प्रीति रानी माता जी, हरे कृष्ण। जिन्होंने कल नहीं पढ़ा है, कोशिश कीजिए वो आज भाग ले सके। जी, हरे कृष्ण हरे आपको। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। निंदा भगवान और उनके भक्तों की निंदा को कभी सहन नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि भगवान और उनके भक्तों की निंदा को सुनकर जो वहां से हट नहीं जाता, वह संपूर्ण पुण्यों से चुहित होकर पतित हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टम में कहा है कि भक्त को वृक्ष से अधिक सहुन और मार्ग के तिनके से भी विनम्र होना चाहिए। सबका सम्मान करे परंतु स्वयं मान ना चाहे। भक्त के रूप में इतने दीन और विनम्र होते हुए भी जब श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचना मिली कि श्री नित्यानंद के शरीर पर दुष्टों ने आघात किया है, तो वह तत्काल ही उस स्थान पर दौड़े दौड़ पड़े और अपराधी जगाई मदाई को मारने के लिए उद्यत हो गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का यह आचरण अतिशय महत्वपूर्ण है। इससे प्रकट होता है कि भक्त निजी रूप से स्वार्थ निर्भिमान सहिष्णु और विनती हो सकता है, परंतु जहां भगवान श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त के सम्मान पर कोई आंच आए तो वह उसे सहन नहीं करेगा। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण, हरे कृष्ण। भक्तों की निंदा, पहला हमारा नाम अपराध है। भक्तों की निंदा हमें कभी करनी नहीं चाहिए, और हमारे सामने कोई भक्तों की निंदा कर रहा है तो उसको सहन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या उसका उपाय क्या है? उपाय अभी हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो ये बहुत मुख्य है, और जो हमारे आचार्य हैं महाप्रभु चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये दिखाया सिखाया है कि क्या अगर एक जैसे नित्यानंद प्रभु को 22 मार्केट में, ठीक है, नित्यानंद प्रभु के जगह मदाई ने, 22 मार्केट में तो हरिदास को गया था, जो नित्यानंद प्रभु को जगह मदाई ने, जगह मदाई बहुत ही दुष्कर्मी लोग थे, और नित्यानंद प्रभु तो उनको नाम उनको पास गए थे कि हरि नाम, हरि का नाम लो, परंतु उन्होंने उस पर आघात किया, उन पर हमला किया। तो भगवान चैतन्य आए थे, उनको फिर अपना विराट रूप दिखाया था। ठीक है, तो भक्तों की निंदा करना बिल्कुल वो सबसे बड़ा अपराध है। भक्तों की निंदा कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके क्या उपाय है इस पैराग्राफ में पढ़िए। भक्तों की निंदा 3 प्रकार से जो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अगर भक्तों की निंदा हम हो रही हो तो हमारे हमारे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, पढ़िए। यहाँ उठाई रेखा सिंह माता जी, प्लीज पढ़िए। इस प्रकार के अपमान का 3 प्रकार से प्रतिकार किया जा सकता है। यदि कोई वाणी से निंदा करता हो तो भक्त को इतना कुशल होना चाहिए कि प्रतिपक्षी को तर्क द्वारा निरस्त कर दे। यदि ऐसा ना कर सके तो दीन भाव से वहां खड़ा ना रहे वरन आत्महत्या कर ले। यदि यह भी संभव ना हो तो उस स्थान को ही त्याग कर चला जाए।
यदि इन तीनों में से किसी प्रकार का भी आचार का पालन नहीं करता है तो भक्ति योग से गिर जाता है। हरे कृष्ण मुद्रा, धन्यवाद। तो तीन विकल्प हैं, अगर निंदा हो रही हो तो या तो आप शास्त्रों में निपुण होना चाहिए ताकि उसको परास्त कर सकें, प्रतिरोध कर सकें, अवरोध कर सकें और उसको शांत करा दें अपने शास्त्रार्थ के अनुसार। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प रूप गोस्वामी पाद बहुत कठोर बोल रहे हैं कि अपने अपना शरीर त्याग देना चाहिए। देखिए कितना बड़ा अपराध है अगर निंदा निंदा करना और निंदा को सुनना, दोनों अपराध है। ऐसा नहीं है कि हम निंदा सुन रहे हैं और वहां बैठे, नहीं, हम बैठ भी नहीं सकते। हमें बहुत उसमें कठोर भगवान या उनके भक्तों की निंदा हमें कभी भी नहीं सुननी, ठीक है? तो दूसरा क्या कह रहे हैं कि अपने शरीर त्याग देनी चाहिए, और अगर तीसरा अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो वहां से उठ के तत्काल तत्क्षण वहां से निकल जाइए, ठीक है? तो ये तीन हमारे शास्त्र हमारे आचार्य बता रहे हैं, ये तीन तरीका बहुत जरूरी है। इसलिए नाम अपराध में, नाम अपराध जो 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं, ये 10 नाम अपराध, नाम का अपराध भगवान के लीलाओं का अपराध से बहुत बड़ा है, ठीक है? तो नाम अपराध जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान रखें और उसको आगे चलिए। आगे क्या है? तुलसी और कंठी माला का क्या महत्व है, इसको पढ़िए। तुलसी माला, तुलसी और कंठी माला के कविता घोष माता, हरे कृष्ण, तुलसी तुलसी और कंठी माला के महत्व को समझिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे सादर कृष्ण, प्रणाम सबको, भक्तों को शिला प्रपाल द्वारा शिला प्रपाल की जय। वैष्णव द्वारा शरीर को तिलक कंठी से विभूषित करने के संबंध में पद्म पुराण में उल्लेख है, जो जो कंठी में तुलसी धारण करते हैं, जिनके शरीर पर विष्णु चिन्ह शंख चक्र गदा और पद्म के साथ द्वादश विष्णु मंदिर अंकित है, जो मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, वे ही जगत में विष्णु भक्त अर्थात वैष्णव है। इन वैष्णवों के सानिध्य से जगत पवित्र हो जाता है, वे जहाँ रहते हैं वह स्थान वैकुंठ बन जाता है। स्कंद हरे कृष्ण पुराण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। कृष्ण, तुलसी माला का अपना महात्म्य ही है, ठीक है? तो किसी दिन और बताएंगे, परंतु यहाँ पे एक छोटा सारांश है तुलसी और कंठी माला का क्या महात्म्य है। तुलसी माला जो हम तुलसी और कंठी कंठी जो जब कंठी माला और तिलक, तिलक क्या होता है? तिलक पद्म पुराण, ये पद्म पुराण है ना, तिलक का क्या क्या तिलक क्यों हम लगाते हैं, ठीक है? तिलक लगाने का एक कारण पद्म पुराण में बहुत अच्छा है, एक तिलक के बारे में आता है, नाशा जो हम ये जो तिलक लगाते हैं इसको उर्ध पुंडरक बोलते हैं, नाशा आदि केश पर्यंतम, यानी कि नाक से लेकर के केश तक, नाशा आदि केश पर्यंतम उर्ध पुंडरक सुशोभिनम, मतलब हम अपने शरीर रूपी मंदिर मंदिर में, क्योंकि भगवान विराजमान है हमारे हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान बोलते हैं ना 18वें अध्याय कि मैं अर्जुन मेरे हृदय में, तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ, ठीक है? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, हृदय में रहते हैं, 15वें 15वें में भी कहा गया। तो भगवान यहाँ क्या पद्म पुराण में क्या कहा गया है? नाशा आदि केश पर्यंतम ऊर्ध पुंडरक सुशोभनम धीरे मध्य समायुक्तम, धीरे मध्य समायुक्तम मतलब बीच में जगह छोड़ना है, धीरे मध्य मध्य में जगह छोड़ना है, ठीक है? दो तिलक लगा के बीच में जगह छोड़ना है, धीरे मध्य समायुक्तम तद्विद्धि हरि मंदिरम। हरि बोल, कितना सुंदर है वर्ष, देखिए, नाशादि केश पर्यंतम ऊर्ध पुंडरक सुशोभनम धीरे मध्य समायुक्तम तद्विद्धि हरि मंदिरम, मतलब हम अपने इस शरीर रूपी मंदिर को सजाते हैं, कैसे? सुशोभिनम, ये तिलक से। और तिलक करने का क्या तरीका है? हमारे नाक से नाशासि केश पर्यंतम केश तक, बीच में धीरे मध्य समायुक्तम मध्य में जगह देना है, और इस तरह हम अपने शरीर को सुशोभित करते हैं, ठीक है? तो कंठी और वैष्णव तिलक का बहुत बड़ा महत्व है कि
देखिए नीचे में क्या लिख रहा है, पद्म पुराण में यह भी उल्लेख है कि चंदन और कृष्ण नाम के विभूषित मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और साक्षात कृष्ण लोक में प्रविष्ट होकर भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्पमाला ग्रहण, ये कौन से पुष्पमाला ग्रहण है, जो हमारे आचार्य और जो भगवान के जो अर्पित है वो पुष्पमाला, जो हम अगर उसको उसको ग्रहण करते हैं तो उसका क्या महात्म्य है, उसका क्या महत्व है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये सब, छोटी छोटी चीज। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान है। जैसे मैं जैसे भगवान क्या, जैसे ये भक्ति रसामृत सिंधु का क्या उल्लेख उद्देश्य है कि भक्ति किस तरह हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, व्यवहार में अपने ला सकते हैं, वो है। देखिए कैसे कैसे, चलिए पढ़िए इसको, थोड़ा सा दो चार लाइन पढ़ते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मनप्रीत श्रीवास्तव, मनप्रीत श्रीवास्तव माता, हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। अगला आदेश श्री मूर्ति को अर्पित माला धारण करने के संबंध में है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण से उद्धव का वाक्य है, हे गोविंद, आपके द्वारा प्रयुक्त माला, गंध, वस्त्र और अलंकार को धारण करने वाला तथा आपका उत्कृष्ट भोजन करने वाला, मैं आपका दास माया को जीत लूंगा, ऐसा विश्वास है। थोड़ा सा और एक लाइन और पढ़ लीजिए, तात्पर्य ये भी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य यह है कि जो गोपी चंदन अथवा चंदन का तिलक लगाता है और श्री कृष्ण के निर्माल्य माला आदि को धारण करता है, वह माया के वश में कभी नहीं होता। हरे कृष्ण बता। तो देखिए पुष्पमाला, जी जो पुष्पमाला जब भी हम मंदिर जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वहां जो पुजारी हैं उनसे कोशिश कीजिए कि माला या फिर जो पुष्प अर्पित होता है भगवान को वो अपने अपने पास ले लीजिए, उसको उसको सूंघने का प्रयास कीजिए, और माला अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है। और आचार्य गण का भी, जो हमारे आचार्य हैं, जो गुरुवर्ग हैं, गुरुवर्ग का माला मिल गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और दूसरा ये कार्य भी कर सकते हैं, जो अपने मंदिर में आपके घर के जो मंदिर हैं उसमें जो आप फूल अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से जब शाम को अपने मंदिर को दोबारा साफ करते हैं, जो फूल आप निकालते हैं, पूरे कोशिश कीजिए कि घर के सभी लोग उसको स्मेल करें, सबको एक घर के किसी व्यक्ति को आप नियुक्त कर दीजिए। उसका यही कार्य रहेगा कि वो घर के सभी वर्ग, जो जो भगवान को मानते हैं उसको भी, जो नहीं मानते हैं उसको भी फूल सुंघा दीजिए। ठीक है, जो अर्पित किया हुआ है, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। श्री मूर्ति के सामने नाचना, देखते हैं 4 बजे उठते हैं। एक बार श्री प्रभुपाद को किसी ने बोल पूछा कि आपने, आपको अगर ये पता चला कि आपने पूरा जीवन भगवान के लिए अर्पित कर दिया, और जब आप शरीर त्यागते हैं और जब ये पता चलता है कि कोई भगवान है ही नहीं, तो आप क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? तो प्रभुपाद जी तो आप जानते हैं कैसे शास्त्रार्थ में और उत्तर में कितने निपुण थे। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हमने तो पूरा जीवन बहुत उत्साहपूर्वक व्यतीत किया। हम सबसे पहले सुबह उठते हैं, 4 बजे, 4 बजे से नाचना शुरू करते हैं। ठीक है, मंगल आरती में आप देखेंगे सब मंदिरों में कितने भक्त, कितने 4 साढ़े 4 बजे से नाचते हैं। ठीक है, पूरा दिन कीर्तन करते हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, नाचते रहते हैं, गाते हैं, और सा भगवान के उच्चिष्ट को ग्रहण करते हैं। तो हमारा और उनके सा सब तरह के उत्साह को मनाते हैं, पर्व को मनाते हैं। ठीक है, अपने आचार्यों के पर्व को मनाते हैं, भगवान के आविर्भाव प्राकट्य दिवस को मनाते हैं। तो हमारा सारा जीवन जो है वो उत्साह में ही व्यतीत हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जीवन तो व्यर्थ नहीं गया, सारा जीवन तो हम उत्साह में ही मना दिए। लेकिन आप सोच के देखिए, आपको पता चला कि आपने सोचा कि भगवान नहीं है और उस तरह आपने जीवन व्यतीत किया, और जब शरीर त्याग के आप ऊपर जाते हैं तो आपका क्या होगा? तो श्री मूर्ति उत्साह पूर्वक प्रभुपाद बताते हैं कि
हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हम प्रभुपाद जी ने शेड्यूल दिया है, जिस तरह से हमारा फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूला का अगर हम अपनाते हैं तो कितना उत्साह रहता है, पूरा दिन ही उत्साह पूर्वक गुजरता है ना। शीर्ष मूर्ति के सामने नाचना, देखिए कितना सुंदर है, श्री मूर्ति के नाचने का क्या महत्व है। यहाँ तक पढ़िए, बबीता साहू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमती के सामने नाचना, द्वारिका महात्म्य में श्रीमती के सामने नाचने भी महिमा नाचने को महिमा को भक्ति भक्ति के अंगों का विचार निवेदन। श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा है, वह पुरुष प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक मेरे सामने नाचता हुआ शरीर को अंगियों से विभिन्न विभिन्न भागों को अभिव्यक्त करता है। वह करोड़ों जन्मांतर जन्मांतरों से संचित पापों को नष्ट कर। जन्मांतर से संचित पापों को नष्ट कर देता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो नाचना, नृत्य, जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में ये सोच करके नृत्य कीजिए कि भगवान को हमें प्रसन्न करना है, किसी को दिखाने के लिए नृत्य नहीं करना है। नृत्य करते हैं क्यों है, क्योंकि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। तो इसका भी एक महात्मा ही है, ठीक है। जैसे क्या लिख रहे हैं यहाँ, जैसे ताली बजाने से बहुत से पक्षी उड़ जाते हैं, तो हम ताली बजाते हैं, ताली क्यों बजाते हैं? ताली बजाने का शास्त्रों में इसलिए उल्लेख आता है कि ताली जिस तरह पक्षी उड़ जाते हैं, उसी तरह हमारे जो पाप रूप जो पाप जो हमारे हृदय में अप्रारब्ध रूप में संकुचित हैं, वो संकुचित भी उड़ जाए हम ताली बजाते हैं, ठीक है। तो जब भी कीर्तन करें मंदिरों में, अपने घर में, कोशिश कीजिए उसको नाचिए, नहीं तो ताली जरूर बजाइए। ताली बजाने से क्या होता है, जिस तरह पंछियां उड़ जाते हैं या किसी चीज को बजाने के लिए ताली करते हैं, उसी तरह हमारे पाप अप्रारब्ध जो संकुचित हैं, वो शास्त्रों में लिखा है कि वो पाप उड़ते हैं ताली बजाने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अमित विक्रम प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कृष्ण, दनवट प्रभु, दनवट। नारदीय नारदीय पुराण का वाक्य है श्री कृष्ण को किया गया एक प्रणाम भी 10 अश्वमेध यज्ञों से बढ़कर है। याज्ञिक को पुण्यफल मिलेगा, परंतु अंत में पुण्य क्षीण होने पर उसे संसार में फिर जन्म लेना पड़ेगा। जबकि एक बार भी श्री मूर्ति को प्रणाम करने वाला सीधा कृष्ण लोक को चला जाएगा, उसका कभी पुनः जन्म नहीं होगा। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि भगवान की रथ यात्रा को सामने आते हुए देखकर उठकर अगवानी करने वाला अपने सभी पापों को नष्ट कर देता है। बोल, धन्यवाद प्रभु। देखिए कितनी कितना महात्मा ही है, एक छोटा छोटा जो इसका शिव मूर्ति के सामने दंडवत करना, इसके बाद फिर रथ यात्रा जो निकलती है भगवान जगन्नाथ सुभद्रमा बलभद्र का, जो या रथ यात्रा निकलता है उसका उसका अगुवाई करना, ठीक है, उसका अगुवाई करना का कितना शास्त्रों में महात्मा ही है कि वो सामान्य चीज नहीं, वो सामान्य नहीं है। क्यों कह रहे हैं कि ये हम इन अपने जो हमने पाप संकुचित कर रखे हैं, ये सब का उच्छेदन होता है, ठीक है। आठवें सातवें अध्याय में क्या लिखा गया है, सातवें अध्याय भगवद गीता में क्या लिखा गया है कि हम इस धरातल पे क्यों आते हैं। धरातल में इसलिए आते हैं क्योंकि हमने अपने इच्छा और द्वेष से आते हैं। इच्छा और द्वेष समुत्थे न द्वंद मोहे न भारत, यानी इच्छा और द्वेष करते हैं जिसके कारण हम ये हमारा इस धरातल पर, इस भौतिक जगत में हमारा जन्म होता है, ठीक है। और इसको अगर हम, इससे बचना है, इसको काटना है, तो क्या है उपाय है, उपाय ये है, येषा तंत्रगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म का पुण्य का कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। पुण्य का कार्य हम अगर करते हैं तो हम योग्य बनते हैं इन पाप, इन इच्छा और द्वेष जिसके कारण हम भौतिक जगत में आए हैं, इसको काटने का हम योग बनते हैं,
ठीक है, सम योग्यता आती, तो ये सब चीजों से करने से हम योग बनते हैं। दंडवत करना, रथ यात्रा में साथ साथ चलना, ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। श्रीमती का अनुगमन मतलब रथ यात्रा का अगुवाई करना, उसके साथ साथ चलना। रथ यात्रा का आपको सभी को मालूम होगा कि रथ यात्रा में साथ चलने का क्या महत्व है। छोटे से मैं बहुत ही संक्षेप में बता देता हूँ कि हम जब भी रथ यात्रा की अगुवाई करते हैं तो ये रथ यात्रा का ये संदर्भ होता है कि भगवान कृष्ण द्वारका से निकले हैं और वृंदावन राधा रानी को मिलने जा रहे हैं, और उसको मिलने जाने के लिए वो आतुर हैं, ठीक है। और रथ यात्रा का अगर हम अगुवाई करते हैं, उनको धक्का देते हैं रथ को, तो भगवान की जो आतुरता है, उस आतुरता को राधा रानी से मिलने के लिए हम अपना उत्सुकता दिखाते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं इसीलिए आप देखें उनकी रथ को धक्का देने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं। तो धक्का देने का क्या मतलब है, जल्दी जल्दी वृंदावन पहुंचाना है उस रथ को, ठीक है। इसलिए रथ यात्रा में जरूर भाग लीजिए, जहां भी आपके मंदिरों के पास हो रहा है रथ यात्रा में भाग लीजिए। नहीं तो हमारे मैंगलोर के मंदिर, आप लोग सभी लोग कभी प्रोग्राम बनाइए, मैंगलोर का मंदिर आइए, वहां रथ यात्रा है, वो बहुत ही कॉमनली होता रहता है, जब भी फेस्टिवल निका होता है रथ यात्रा का आयोजन होता है, ठीक है। पढ़िए इसको, विष्णु मंदिर अथवा तीर्थगमन, यहां से यहां तक पढ़िए। डॉक्टर देवेश प्रभु, देवेश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु। विष्णु मंदिर अथवा तीर्थ गमन, पुराणों में कहा है वृंदावन मथुरा द्वारका आदि तीर्थों को जाने वाले धन्य है। ये संसार रूप मरुभूमि से पार हो जाते हैं। हरिभक्ति शुद्धोदय में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जाने का महत्व कहा गया है। जैसा कह आए हैं वृंदावन मथुरा तथा द्वारका में ये पद्धति है कि भक्तजन इन पावन तीर्थों में स्थिति मंदिरों में जाकर लाभान्वित तो होते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरि तो अपने मंदिरों में कोशिश कीजिए, आपके घर के आसपास जो भी कृष्ण का मंदिर है उसको अगर रोजाना, तो खैर होना असंभव नहीं, हो सकता है, बहुत लोगों के लिए संभव है, बहुत लोग के लिए कार्यरत रहते हैं तो नहीं हो सकता है, तो कोशिश कीजिए एक सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाके भगवान से मिल के आइए, ठीक है। तो वो मिलने का अपना महत्व ही है, क्या महत्व ही है। पहला 10 प्रवृत्ति क्या है, 10 प्रवृत्ति में प्रवृत्ति क्या आता है, वृंदावन या तीर्थ स्थानों में वास करना। तो तीर्थ स्थान तो हर बार जाना बहुत मुश्किल है, तो तीर्थ हम क्या कर सकते हैं, अपने घर को तीर्थ बना सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने आसपास के जो मंदिर है, जो कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण के मंदिर में जाकर के हम, अगर आपके पास इस्कॉन है आसपास, इस्कॉन में जाइए, सप्ताह में एक बार जाइए। देखिए बहुत लोगों की जो भी कंफ्यूजन है, कितना परिक्रमा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब लिखित है इसमें, ठीक है। तो हरि विष्णु मंदिर की परिक्रमा के बारे में चर्चा है, तो डॉक्टर राखी मित्तल माता जी, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट कीजिए प्लीज। शुद्धोदय में कहा गया है, जो व्यक्ति विष्णु के अर्चा विग्रह की परिक्रमा करता है वह तो इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। परमात्मा अपने अस्तित्व के कारण बारंबार जन्म तथा मृत्यु के माध्यम से परिक्रमा करता रहता है। इसका निवारण मंदिर में अर्चा विग्रह की परिक्रमा करने से आसानी से हो जाता है। भारत हरे कृष्ण माता जी, में वर्ष हरे कृष्ण यहां से यहां भी पढ़िए।
पढ़िए माता जी। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर ले तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझा जाता है जहाँ से होकर गंगा नदी बहती है और चातुर्मास के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त हो सकता है। हरे सही कृष्ण। सही सही। तो 4 बार परिक्रमा का कम से कम, ठीक है। और वो कहा कल हमने क्या पढ़ा था, परिक्रमा कैसे करनी है। परिक्रमा भगवान के दाहिने हाथ से क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। और मंदिर का परिक्रमा, भगवान की परिक्रमा तो करना है, मंदिर की परिक्रमा जरूर कीजिए। 4 बार का उल्लेख आता है, ठीक है, 4 बार कम से कम परिक्रमा कीजिए, ऐसा उल्लेख आता है। तो इन नियमों को देखिए, और इन नियमों में कितना महात्म्य है। देखिए क्या कह रहे हैं कि हम 4 बार अगर परिकर्मा करते हैं मंदिर, विष्णु मंदिर का, विष्णु मंदिर का अगर 4 बार परिकर्मा करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड के परिक्रमा के तुल्य है। इसका महात्म्य कितना है। अर्चना, हरे कृष्ण। दानी माता जी, अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु माता हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्चना, जी। हरे कृष्ण। मंदिर में श्री मूर्ति की आराधना को अर्चना कहते हैं। इस पद्धति के द्वारा देह से परे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में एक ब्राह्मण के यहाँ जाते हुए श्री कृष्ण के अंतरंग सखा सुदामा ने कहा है, श्री कृष्ण के चरण कमलों की अर्चना करने मात्र से स्वर्ग मोक्ष लोकों का आधिपत्य, पृथ्वी की सार्वभौम संपदा और योग सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ये लास्ट सेंटेंस लास्ट भी पढ़ लीजिए माता जी, एकदम सबसे लास्ट में जो वो पढ़ जी, लीजिए। विष्णु रहस्य में भी उल्लेख है, पृथ्वी पर जो मनुष्य भगवान विष्णु की अर्चना करते हैं वे नित्य आनंद में बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कितना अच्छा कृष्ण। चल रहा है बताइए। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता। कितना सुंदर चल रहा है कि जितने भी आप सिद्धांत देख रहे हैं, इन सिद्धांतों का शास्त्रों में उल्लेख है। और उस शास्त्र का कहाँ उल्लेख है, उस शास्त्र का पूरा वर्णन आ रहा है। विष्णु रहस्य, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत, सब शास्त्रों का उल्लेख है। देखिए क्या कह रहे हैं कि अर्चना मात्र से, अर्चना का क्या मतलब है, पूजन करना, ठीक है। जो हम अर्चना विधि, जो पंचरात्र विधि होता है, उसका क्या महात्म्य है, ठीक है, कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मात्र सिर्फ हम नियमों का पालन करते हैं, पूजा अर्च विग्रह की हम अगर सिर्फ अर्चना करते हैं तो। चलिए आगे पढ़िए, भगवान की परिचर्या यानी सेवा, इसमें कल हमारे समक्ष एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न का उत्तर आपको इसमें मिलेगा। स्वागतिका माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। माता विष्णु रहस्य से उल्लेख है, सेवक जैसे राजा की सेवा करते हैं वैसे ही जो भगवत सेवा की व्यवस्था करता है वह निश्चित रूप से देह त्याग कर कृष्ण लोक को जाता है। आज भी बहुत से मंदिर वास्तव में राजप्रसाद जैसे हैं। वे साधारण भवन नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण का अर्चन उसी प्रकार होना चाहिए जैसे अपने महल में राजा सेवित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। ठीक है माता जी, ये थोड़ा सा लास्ट ये लाइन पढ़ लीजिए, नारदीय पुराण से पढ़ लीजिए। स्वागतिका माता जी, ये लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ पा रहे तो मैं ही पढ़ देता हूँ।
चलिए, नारदीय पुराण में कथन है, जो कोई क्षण भर के लिए भी भगवान के मंदिर में रहे वो परम पद पा जाता है। ठीक है, तो हमारे इस ये भगवान की परिचर्या सेवा कैसी होनी चाहिए। सेवा यहाँ बता रहे हैं कि भगवान को एक राजा के समान, हमें राजा के जैसा हमें व्यवस्था करना है। ठीक है, तो इसमें दो प्रश्नों के हमारे उत्तर मिलते हैं। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न कि इस्कॉन में अगर एक बहुत मन में प्रश्न आता है, एक तरफ तो ये कहा गया है कि मंदिरों में ज्यादा मंदिर निर्माण में हमें समय व्यतीत नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा उस पर खर्च नहीं करना। दूसरा ये भी उल्लेख आता है कि भगवान को अगर जहां भी रखें तो वो एक राजा की तरह उसको उनकी सेवा करें। तो मंदिरों का निर्माण क्यों होता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि इस्कॉन में इतनी मंदिरें क्यों बन रही हैं, क्योंकि मंदिर अगर नहीं बनेगा तो प्रचार प्रसार नहीं होगा, लोग आकर्षित नहीं होंगे। और इतना भव्य क्यों है, उसका उत्तर यहाँ पे मिलता है कि भगवान की स्तुति, भगवान का जो सेवा है एक राजा की तरह करना चाहिए। आप कई मंदिर, पूरे विश्व में कई मंदिर हैं, पर आप कभी भी एक छोटे इस्कॉन के सेंटर में भी आप चले जाएंगे, जिस भव्यता के साथ भगवान की सेवा होती है, सुबह 4 बजे से लेकर के उनका विश्राम तक, शाम रात तक, सायं आरती तक जिस तरह सेवा होती है, आप बहुत कम जगह में इस तरह का सेवा देखेंगे। परंतु होना ऐसे ही चाहिए। ठीक है, होना, अगर मंदिर का निर्माण करके वहां सेवा ही नहीं हो तो वो गलत है। मंदिर का निर्माण हो और सेवा कैसे करना है, एक राजा की तरह। ठीक है, और कल हमारे बीच में एक प्रश्न भी था ना कि क्या हम अपने जो घर के अर्च विग्रह हैं उनको अपने संग लेकर जा सकते हैं क्या, कहीं भी हम उनको अपने संग लेके साथ जा सकते हैं। तो उसका उत्तर भी यहाँ मिलता है कि अगर हम संग में लेके जाएंगे राजा को, संग में हम कैसे लेके जा सकते हैं, राजा हमें अपने संग में लेके जा सकते हैं, हम तो दास हैं उनके, हैं सर्वेंट, हैं सर्वेंट कैसे राजा को लेकर के जा सकते। ठीक है, तो ये भाव से हमने भगवान को सेवा करनी। गान, गान मतलब कीर्तन। ठीक है, चलिए जल्दी पढ़िए इसको, हैंड रेस कीजिए, कोई हैंड रेस नहीं है। मैंने नहीं अभी तक पढ़ा है, वो पढ़िए। रश्मिता समांथल जी, माता हरे कृष्ण, अनम्यूट करनी पड़ेगी प्लीज। हरे कृष्ण संकीर्तन हरे कृष्ण माता, भगवान के नाम गुण लीला आदि का उच्च स्वर से कथन करना संकीर्तन कहलाता है। जन समूह के भगवान नाम के कीर्तन को भी संकीर्तन कहते हैं। हरे कृष्ण माता, हम यहाँ रह गए, गान आपने छोड़ दिया, गान को पढ़ लीजिए। गान अलग है, संकीर्तन अलग। ठीक है, गान ये पढ़, गान लिंग पुराण में भगवत कीर्ति के गान के संबंध में कहा है, भगवान की कीर्ति को निरंतर गाने वाला ब्राह्मण श्री कृष्ण के लोक को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को यह गान शिव की स्तुति से भी अधिक प्रिय है। देखिए दो चीजों कवर, दो चीजें हमने देखा, गान जो भी भगवान के जो हमारे वैष्णव गीत हैं उसको कोशिश कीजिए, सभी लोग एक एक गीत गाने का कोशिश कीजिए। इसलिए नहीं का गीत गाना है, गान हमें कीर्तन क्यों करना है, कीर्तन इसलिए करना है क्योंकि भगवान को पसंद है। तो हम सबके सम्मुख आकर के अगर हम 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले अगर कीर्तन करते हैं तो इस भाव से कीर्तन हमें कीजिए कि हमारे कीर्तन से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। तो किसी को हमें गान सुना करके किसी को प्रसन्न नहीं करना है, प्रसन्न वो तो भौतिक हो गया। फिर हमें क्या करना है, गान अगर कीर्तन हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, कीर्तन करने का हमारा भाव होना चाहिए। संकीर्तन, संकीर्तन तो अभी आपको मालूम ही है, जो हम सबके साथ मिलकर करते हैं उसे, अगर एक अकेले करते हैं उसे जपा कहते हैं। ठीक है, और जब साथ मिलकर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, हरि नाम करते हैं, उसे संग कीर्तन करते हैं, संग संग के कीर्तन। और संकीर्तन की महात्मा तो महात्मा ही तो पूरे सभी शास्त्रों में। ठीक है,
भगवान सततम कीर्तन यंतु माम, 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं ना सततम कीर्तन करना चाहिए, सततम कीर्तन यंतु माम यतयंतश्च दृढ़वता। ठीक है, गुण कीर्तन तो और फास्ट पढ़िए, यहाँ तक पढ़िए बस। मोनिका शर्मा माता जी, हरे कृष्ण, अनम्यूट करके पढ़िए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि अपने शिष्य व्यास देव से कहते हैं, हे व्यास जी, तप त्याग वेदाध्ययन यज्ञ अनुष्ठान वैदिक मंत्र उच्चारण ध्यान और ध्यान आदि पुण्य कर्मों का एकमात्र परम फल यही है कि भक्तों के संग में भगवान की कीर्ति का गान किया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कीर्ति का गान यानी संकीर्तन, विज्ञप्ति, यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुकेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, विज्ञप्ति यानी जो हम प्रार्थनाएं करते हैं भगवान को, वो प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए, किस तरह की प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं भगवान के आगे। ठीक है, 3 तरह की होनी चाहिए, ये पढ़िए। और आप जो भी कीर्तन करते हैं, जो भी हम आचार्य के कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन क्या है, जो आचार्य के जो वैष्णव गीत हैं, ये जो वैष्णव गीत हैं कोई सामान्य गीत नहीं है, ये हमारे आचार्य गणों के द्वारा लिखित हैं और हमारे सारे शास्त्रों का निचोड़ इन कीर्तनों में है। हर एक गीत में हमारे आचार्य गण सभी शास्त्रों का निचोड़ डाल के रखे हैं, और ये जो निचोड़ है ये किसी न किसी तरह की प्रार्थना है, निवेदन है, किसी विज्ञप्ति है, वो प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए वो पढ़िए पढ़िए। स्कंद प्राण जी में प्रभु जी जी पढ़े। जी जी हरी हरी स्कंद प्राण में भगवत शब्दों में विज्ञप्ति के संबंध में एक वाक्य है जिसमें उल्लेख है कि धीर व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति 3 प्रकार से विज्ञप्ति निवेदन कर सकते हैं। स प्रार्थनात्मिक बड़ी भाव में प्रार्थना, दैन्य वोदी का दीनता ज्ञानव तथा लालसा मयी सन्निधि की अभिलाषा। ये नोट करिए, 3 तरह की विज्ञप्ति होती है, निवेदन होता है, प्रार्थनाएं होती हैं। आप जो भी कीर्तन करते हैं, जो भी प्रार्थनाएं सुनते हैं, उसमें 3 तरह के होते हैं। क्या है, पहला संप्रार्थनात्मिका यानी भगवान का प्रार्थना करना, भाव में प्रार्थना करना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने माराने गति यार नाही मोर। तो ये क्या हुआ, हम प्रार्थना कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, क्योंकि जीवन जीवन मरने गति आर नाही मोर, मेरे जीवन में और कोई और उद्देश्य नहीं है, सिर्फ राधा कृष्ण का प्रेम ही मेरा उद्देश्य है। ये क्या हो गया, संप्रार्थनात्मिका, ये भावमय प्रार्थना। ठीक है, तो हमारे जो भी हम कीर्तन करते हैं, जो भी प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, उन प्रार्थनाओं की इन 3 कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो वो भाव क्या होता है, उस प्रार्थना का भाव क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, दैन्य बोधिका यानी कि हम बहुत दीनता ज्ञापन, मतलब हम बहुत दीन हैं। ठीक है, आपने अगर ये गीत सुना हो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कोर मोरे पति पावन हेतु तब अवतार, यानी मैं मुझसे जैसा पतित कोई है ही नहीं, ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, अपना दीनता दिखाते हैं, अपने को तुच्छ बताते हैं, ये दूसरा तरीके का प्रार्थना है। ठीक है, बुलिया तुम्हारे संसारे आसिया ए नाना विधि बैठा, यानी मेरे जैसा मैं भूल गया हूँ संसार, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं संसार में जन्म लेकर के आपको भूल गया हूँ। ठीक है, यानी कि हमारे ये प्रार्थना का भाव क्या है, अपने आप को दीन बताते। ठीक है, दीन बताते, नाम चाहे शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमते स्मरणे न काल है तादृशी तव कृपा भगवान ममापि।
दुर्दैवमीदृशम् इह जानिनानुरागः मिह जानिनानुरागः। भगवान, आपने इस कलयुग में सभी नामों में अपनी शक्ति भर दी है, फिर भी मुझे और कोई भी इस नाम को उच्चारण करने का कोई भी समय नहीं है, फिर भी नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम यह जानना। फिर भी इतना सुलभ करने के बाद भी मुझे कोई अनुराग नहीं आ रहा। भगवान चैतन्य ऐसा कह रहे हैं, अपने आप को दीन बता रहे हैं। भाव क्या है? हम दीन हैं। तीसरा क्या है? तीसरा लालसामय संसिद्धि की अभिलाषा, यानी कि लालसामय मुझे ललक हो रहा है भगवान का, ठीक है। लौलियम जिसको लालच, लेकिन लालच क्या है? भगवान की भक्ति का लालच। ये कौन सी प्रार्थना, कैसी प्रार्थना? भगवान के लिए तड़प है, ठीक है। शिक्षाष्टकम में भी, शिक्षाष्टकम में पता है वो वर्ष आता है क्या है, क्या वर्ष आता है, सेकंड लास्ट वर्ष क्या है, किसी को स्मरण है तो बताइए, सेकंड लास्ट वर्ष क्या है? नेटो खुज के निकालिए, ठीक है। सेकंड सेकंड लास्ट वर्ष क्या है? सेकंड लास्ट शिक्षाष्टकम का कोई जल्दी निकालिए, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है वो। अगर गायन होता है तो गायन में स्मरण आ जाता है, एक चुनने में मुश्किल हो रहा है, बताइए। कोई ढूंढ के जल्दी निकालिए, अपना गूगल करके निकालिए उसको, क्या है? नहीं मिल रहा है। न धनुम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवतार भक्ति अहेतुकी अय नंद तनुज किंकरम पतितम वा विष्णे भवाम्बुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तये नयनम गलद सुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकै निजितं वपु कदा तव नाम गृह्णे भविष्यति युगाः। ये युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवायिषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंदा विरहे न मे, ठीक है। मेरे मेरा जो आपके जो एक पलक भी, एक पलक भी अगर झुकाते हैं, एक पल, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं अगर पलक, एक जो क्षण भर का जो पलक है वो भी बंद करने आने चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु। वो कह रहे हैं जो मेरा जो पलक बंद होता है तो वो भी एक बहुत युग के समान है, ठीक है। तो भगवान के लिए वो लालसा है, वो भगवान के लिए लौलियम है, ठीक है। तो वो लालच उसको कहते हैं, वो जो भाव जब प्रकट होता है तो उसको लालसा में कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी विज्ञप्ति, कोई भी निवेदन जो है, इन तीन जो भी प्रार्थनाएं आप जो भी वैष्णव गीत देखेंगे, इन तीन में ही आप इसको इन भावों से ही प्रार्थना किया जाता है। तो जब भी हम भाव, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो गायन से ज्यादा, गायन आ जाए तो बहुत अच्छा है, भगवान प्रसन्न होंगे। अगर राग हमको आ गया, अगर राग नहीं भी आता है तो भाव क्या होने चाहिए ये हमें बताते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। प्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसा में उसको स्मरण रखिए, ठीक है। और जल्दी से हम लोग कुछ कुछ करते हैं। नवैध, नवैध आस्वादन का क्या मतलब है? नवैध आस्वादन काम जो हम लोग उच्छिष्ट को खाते हैं, वो तो हमने पढ़ रखा है, भगवत गीता में भी आता है ना, यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते त्वगम पापा। हम पाप खाते हैं, इसलिए नवेद को जरूर ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत का पान, चरणामृत का पान छोटा सा पढ़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए, कोई हैंड रेस करके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राखी मित्तल माता, डॉक्टर राखी मित्तल माता जी पढ़िए माता, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। चरणामृत पान,
भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्रातःकाल स्नान कराते से चरणामृत बनाया जाता है। सुगंधियों तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान के चरण कमलों से बहकर नीचे गिरता है उसे एकत्र कर लिया जाता है और उसमें दही मिला दी जाती है। इस तरह इस चरणामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आ जाता है अपितु इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है। हरी हरी। तो चरणामृत जहां भी उसको चरणामृत का पान की महात्म्य आप समझ गए होंगे। ठीक है, अर्पित धूप और पुष्पों की सौरभ की धारणा। अर्पित धूप के बारे में देखिए महात्म्य क्या है, यहां तक पढ़ लीजिए कोई। मनप्रीत माता, हरे कृष्ण। अनमिट की रुचिका माता, पहले आपको रहने, रुचिका माता ने नहीं पढ़ा, फिर आपको देता हूँ। भाई बहुत है माता, अभी 10 मिनट रुकिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि हरि भक्ति सुदोद्य में उल्लेख है, श्री हरि को अर्पित धूप के उस सूंघने से संसार रूपी सर्प से डसे हुओं का विष समाप्त हो जाता है। कुशल पुरुषों द्वारा वनों में पाई जाने वाली एक प्रकार की जड़ी सुंघाए जाने पर सर्प का विष उतर जाता है और चेतना लौट आती है। हरी हरी, हरे कृष्ण। देखिए हरे कितना कृष्ण महा कितना कितना महात्म्य है कि इसको साक्ष्य दृष्टांत कहाँ से प्रस्तुत किया जा रहा है। दृष्टांत कितना ही कैसा दृष्टांत है, जैसे सांप का विष से दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। केवल हम अगर धूप और पुष्पों को सूंघते हैं, भगवान के जो अर्पित धूप और पुष्प हैं, उससे दृष्टांत क्या है, एक सर्प से काटे हुए विष जब उतरता है, उस तरह हमारे पापों का उच्छेदन हो जाता है। सिर्फ हमें धूप और पुष्प को सूंघने से। ठीक है, श्रीमूर्ति का स्पर्श किन अवस्थाओं में करना चाहिए, लोग सब लोग जानते हैं, कल हमने पढ़ा है, उसको नहीं तो पढ़ सकते हैं आप दोबारा। श्रीमूर्ति का स्पर्श शिंभू प्रभु ने नहीं पढ़ा। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्ण पढ़िए प्रभु। प्रभु पढ़िए। मनप्रीत आशिम प्रभु, आप थोड़ा सा आपका टेक्निकल इश्यू, थोड़ा देर के बाद पढ़िएगा। मनप्रीत माता प्लीज पढ़िए जल्दी। हरे जी कृष्ण। विष्णु धर्मोत्तर में श्री मूर्ति के चरणों चरण कमलों का स्पर्श करने के संबंध में कथन है, जो पुरुष वैष्णव दीक्षा से युक्त है तथा कृष्ण भावना भावित भक्ति योग के परायण है, वही श्री मूर्ति का स्पर्श करने का अधिकारी है। गांधी द्वारा चलाए गए राजनीतिक आंदोलन के काल में उस वैदिक पद्धति का विरोध किया गया था, जिसके अनुसार शूद्र चंडाल आदि अधम श्रेणी के लोगों का मंदिर प्रवेश निषिद्ध है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो श्री मूर्ति का स्पर्श सभी लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो श्री मूर्ति का स्पर्श करने के लिए एक योग्यता चाहिए। उसमें भी नैष्टिक जो पुजारी होते हैं, वो नैष्टिक ब्रह्मचारी होते हैं, वही स्पर्श करते हैं। ठीक है, लेकिन स्पर्श हमें क्या, हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपने आंखों के द्वारा भगवान का स्पर्श कर सकते हैं, उनको निहार सकते हैं। कल वैदिक अपराध क्या था, वर्जनीय अपराध, कि जब भी हम मंदिर में मंदिर जाएं तो आपसी बातचीत में कभी भी समय व्यर्थ ना करें, आपस में कोई बोलचाल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हमारा ध्यान और केंद्र कहाँ होना चाहिए, भगवान के अर्च विग्रह की ओर। ठीक है, आरती दर्शन। तो आरती दर्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कोई। प्लीज। आरती दर्शन। स्कंद पुराण में मूर्ति की आरती दर्शन का यह महात्म्य है। आरती के समय भगवान के मुखारविंद का दर्शन करने वाले के करोड़ों वर्षों से संचित पाप पुंज भस्म हो जाते हैं। हरी हरी। तो स्कंद पुराण में मूर्ति देखिए छोटे छोटे, मतलब जो भी बस आप 5 मिनट और रुक जाइए, इसको अध्याय को संपन्न करते हैं। जो भी
हम नियम देखते हैं, पंचरात्रिक विधि देखते हैं, ये सारे पंचरात्रिक विधि कोई, ये विधि जो भी आप देखते हैं मंदिरों में, कोई स्वयं का निर्माण नहीं किया हो गया है कि पुजारी ने निर्माण कर दिया, या उस मंदिर के जो इस्कॉन में जो भी प्रथाएं आप देखते होंगे, जो भी देखते हैं, उसकी संपूर्ण वैदिक प्रणाली है, उस शास्त्रों से उठाया हुआ है। आरती दर्शन देखिए, आरती दर्शन सुबह मंगल आरती करते हैं, तो उसका दर्शन का क्या महात्म्य है, सुबह सुबह उठने का कितना महात्म्य है कि करोड़ों वर्षों से संपूजित पाप पुंज भस्म हो जाते हैं, कोई सामान्य नहीं है, कोई सामान्य। अगर मंगल आरती हम किसी भी माध्यम से करें, ऑनलाइन करें, इसलिए इतना जोर क्यों दिया जाता है, हम हमारे आचारगण क्यों इतना जोर देते हैं कि सुबह जल्दी उठिए, 4:30 बजे आरती कीजिए, क्योंकि हमारी आचारगण जो आते हैं, जो गुरु वर्ग होते हैं, वो हमें हमारे उद्धार के लिए आते हैं, वो जितनी भी फॉर्मूला वो बनाते हैं हमारे लिए बनाते हैं। तो क्या है इसका दृष्टांत कि सुबह मंगल आरती है, मंगल आरती के बाद हमारा नरसिंह आरती होता है, तुलसी आरती होता है, ठीक है, तो जब भी समय पाइए उसको जल्दी उठिए, और मंगल आरती आरती समय नहीं मिलता है, कोई कार्य से आप बहुत व्यस्त हैं, तो कोशिश कीजिए जल्दी उठ के जपा कीजिए, और आप मंदिर जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या फिर अपने कार में जा रहे हैं, तो उसको गायन को सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं तो उसको कान में लगा करके सुन लीजिए मंगल आरती को, नहीं तो खुद गा लीजिए, 15-20 मिनट गा लीजिए मंगल आरती को, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आरती दर्शन का अपना महात्म्य ही है, हमारा हमारा शुद्धिकरण होता है उससे, ठीक है। उत्सवों का आयोजन, उत्सवों का आयोजन देखिए, उत्सवों का आयोजन क्यों किया जाता है, हमारे मंदिरों में उत्सवों का आयोजन इतना आप देखते होंगे कि मंदिरों में बहुत भव्यता से होता है, फूल की बहुत सारा फूल अर्पित होता है, बहुत सारे अभिषेक होता है, जूस, अभी आप देखेंगे 25 तारीख को जब गौर पूर्णिमा के दिन शाम को जब श्री गौरा चांद का अभिषेक होगा मंदिरों में, तो कितना भव्य रूप से अभिषेक होता है, तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है इतनी भव्यता की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए उसका भी वेदों में शास्त्र में क्या प्रमाण मिलता है, पढ़ लीजिए इसको भी, कविता घोष होता जी। कविता घोष माता जी अनम्यूट करके पढ़िए, इतना बाकी है, नहीं अनम्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, जैसा पूर्व कथन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी प्रमुख वैष्णवों की जन्मतिथि, भूलन यात्रा, डोल यात्रा आदि महोत्सवों को अवश्य मनाना चाहिए। उत्सव में भगवान को रथ पर विराजमान किया जाता है और फिर नगर के विभिन्न मार्गों पर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिससे लोगों को मंदिर में दर्शन का लाभ सुलभ हो जाए। हरे कृष्ण, देखिए उत्सवों को कोशिश कीजिए सारे, अभी तो इतना आसान हो गया है कि आप घर बैठे बिठाए आपके लिंक के माध्यम से आप उत्सवों का आनंद अपने घर में रह सकते हैं, ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उत्सवों में भाग लीजिए, और भी जो भी आ रहा है गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल, उसमें भाग लीजिए, अभी कितना है, ठीक है, ये आपका अंत था, ये थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, ये अंतिम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, कंक्लूजन बहुत सुंदर है, स्वागतिका माता जी, हरी हरी माता, आपके स्वास्थ्य इतने माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी किसी बहुत बड़ी चिकित्सा से ऑपरेशन से गुजरी है, लेकिन उत्साह देखिए क्या है, उत्साह हम इसी भाव से उत्साहित होकर के भक्ति करना है, उत्साहात भक्ति क्या है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म परवर्तनात्, ठीक है, ये 6 चीजें हम में जरूर होनी चाहिए, ठीक है। क्या कि हम 6-16 माला डेली कर रहे हैं तो बोरिंग चीज है, कल फिर उठना है, कल फिर वो 3:30 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 4:30 बजे मंगल आरती करना, परंतु अगर उत्साह ले आए भगवान के प्रति, कितना उत्साह हो जाता है, देखिए उत्साह, हरी हरी माता, बोलिए प्लीज पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी और माता जी की कृपा से ठीक हूँ प्रभु जी। अभी नहीं, भगवान की कृपा से ठीक है, गुरुवर की कृपा से ठीक है, अपने गुरु से दीक्षा लिया है, बहुत बड़ा जीवन का एक बहुत अपने पड़ाव धन्यवाद शुरू किया है। चलिए स्टार्ट कीजिए, मतलब इसको पढ़ लीजिए। जी जी प्रभु जी। अग्नि पुराण का वाक्य है, जो हरे कृष्ण मंदिर में प्रभु शिव जी, मूर्ति की पूजा। एक मिनट हरे एक मिनट कृष्ण प्रभु जी, जी पढ़ो जी क्या अग्नि पुराण जी का माता जी वाक्य। बोलिए। अच्छा माता जी पढ़ नहीं, पढ़ने दीजिए ना। ठीक है नहीं प्रभु जी, पढ़े तो ठीक है, अच्छा पढ़ ठीक लीजिए है ठीक माता जी। है जी ठीक है, पढ़िए कविता माता जी, पढ़िए प्लीज पढ़िए। जी अग्नि पुराण का वाक्य है, जो मंदिर में शिव मूर्ति की पूजा को देखकर प्रसन्न होता है, वह पंचरात्र में वर्णित क्रिया योग के फल को प्राप्त करता है। क्रिया योग प्राय भक्ति योग जैसे अभ्यास की पद्धति है, परंतु वह विशेष रूप से ध्यान योगियों के लिए विहित है। भाव यह है कि इस क्रमिक पद्धति से ध्यान योगी अंत में भगवत भक्ति के स्तर पर आरूढ़ हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरी हरी। तो देखिए ये जितनी भी पंचरात्रिक विधि है, जिसका हमने अभी पूरा विस्तार से जिसका अध्ययन करा, वो अंततः उसका क्या निष्कर्ष क्या है? हम ये सब सारी विधि को फॉलो करते हैं, क्या निषेध है? जैसे कल भी मैंने बताया था, प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी को एक किसी ने प्रश्न किया था कि इस युग में तो केवल भगवान का हरि हरि का भगवान का नाम जो है वही युग धर्म है, तो ये आप इतने अर्च विग्रह को पूजा, इतने मंदिरों का निर्माण, इसमें इतना समय व्यतीत क्यों करते हैं? तो वही प्रभुपाद जी ने समझाया था कि लोगों के पास तो इतना समय नहीं है, ठीक से एक माला जप जो है, अगर भाव ग्रहित होकर के एक माला हम जप कर लें तो सोचिए कितना हमारा भाव ही नहीं रह पाता, हमारा मन एक जगह टिक ही नहीं पाता। तो भगवान प्रभुपाद ने कहा कि आप ठीक कह रहे हो कि माला जो माला का भगवान का नाम का जप करना इस युग का सबसे धर्म युग है, युग धर्म है, परंतु लोगों के पास उतना मन, वो चंचला ही मन कृष्णम, जैसे अर्जुन बताते हैं ना, मन इतना चंचल है कि इधर से उधर चला जाता है, इसीलिए उनके चंचल मन को स्थायी करने के लिए ये सारा प्रयोजन मैंने किया है, मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा, इतने नियमों का पालन, इतने उत्सव मनाना, ये इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हम अपने भाव के द्वारा क्रामिक ये सब करते 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 क्रमिक पद्धति से हम भगवान की भक्ति में दृढ़ होने लगते हैं और आरूढ़ हो जाते हैं, हमें उस भगवान की भक्ति के प्रति भाव, हम हमारी जो कृष्ण चेतना है वो जागृत होती, तो ये मुख्य उद्देश्य है पंचरात्रिक विधि का। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्णा, आपका नवा अध्याय संपन्न होता है, अगला 25 सोमवार को गौर पूर्णिमा है, ठीक है, तो आप लोग सब लोग मंदिर का मंदिर के लिंक पे ज्वाइन कीजिए, बहुत भव्य फेस्टिवल है मंदिरों का, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो आइए और उसमें ऑनलाइन लिंक के माध्यम से जुड़िए जुड़िए। हरे कृष्ण, किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? मनप्रीत श्रीवास्तव माता, हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो अर्च विग्रह को माला समर्पित होती है, तो वो कैसे मिलेगी मंदिर से? मतलब पुजारी जी से पूर्ण होगा? हाँ, पुजारी जी से मांगे, पुजारी जी दे देंगे आपको, पुजारी ओके प्रभु दी जी। जी देते हैं, जितने भी अर्च विग्रह की जो गले की माला है पुजारी जी देते हैं, मांगने पे आपको निश्चित मिलेगा, मांगे। ओके प्रभु जी, मैं अपना टेम्पल जाती नहीं हूँ प्रभु जी, बहुत धूप पड़ता है तो अच्छा पता नहीं है ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो घर में विग्रह हैं उन विग्रहों में जो अर्पित करते हैं आप, चाहे वो किसी तरह का विग्रह हो, फोटो में हो, किसी भी तरह से जो विग्रह को माला जी प्रभु चढ़ाते जी, हैं बार बताया उसको ग्रहण कर लीजिए, उसको लीजिए। ठीक है, हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण, देवेश चंद्र प्रिय प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, आपका लेक्चर जो है यूट्यूब में आने से
हम लोग फिर रिपीट देख सकते हैं, सब नहीं आया है, लास्ट में कुछ बाकी है। वो मेरे तरफ से पेंडिंग है, आज मैं करके आपको लिंक भेज दूंगा, यूट्यूब का माता जी को लिंक भेज दूंगा, माता जी भेज देंगे। हरे कृष्ण। अमित विक्रम प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन प्रणाम प्रभु। है कि मैंने ना ये जो 11th 3 वाली जो क्लासेस थी वो थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मतलब जी जी कल चैप्टर से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने सर्टिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया था कंप्लीट में। तो प्रभु जी मेरे को एक बार इनका जानना है कि से कैसे हम इसको कवर करने वाले हैं 11th 3 में, और क्या क्या सिलेबस होगा, और जो मेरे रह गए हैं चीजें उनको मैं कैसे कवर अप कर सकता हूँ। ठीक है, तीन तीन किताबें होंगी। पहले पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ आपको। तीन किताबें हैं, भक्ति रसामृत सिंधु जिसका अध्ययन हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम उपदेशानमृत का अध्ययन करेंगे, और तीसरा किताब है ईशोपनिषद। तो इन इन तीन किताबों का अध्ययन होगा। और मापदंड क्या है, असाइनमेंट्स हैं, तो असाइनमेंट्स कहाँ मिलेंगे आपको? असाइनमेंट्स अभी वेबसाइट में अपलोड हो रही हैं, ठीक है, अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो जल्दी आ जाएगा। मुझे लग रहा है 3-4 दिन के अंदर ही असाइनमेंट वेबसाइट में अपलोड होंगी। तो अपलोड होने के पश्चात उन असाइनमेंट्स को समय समय का समय दिया जाएगा, उनको असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मापदंड हो गया, इसको कंप्लीट करेंगे तो आप अगले स्तर में जाएंगे, लेवल 4। और आपका अंतिम प्रश्न था, जो आपके छूट गए हैं उसको कैसे किया जा सकता है। दो माध्यम है प्रभु। पहला माध्यम है YouTube में लेक्चर सुन लीजिए, मैं लिंक भेजूंगा, लेक्चर सुन लीजिए, पहला माध्यम। दूसरा जी माध्यम है कि ये जो लेवल 3 का कोर्स है, ये साइकिल में चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता, ठीक है। ये तीन किताबें खत्म होंगी तो दोबारा से भक्ति रसामृत सिंधु शुरू हो जाएगी। तो जो चीजें मिस हुई हैं आप, वो 9, मान लीजिए 9 अध्याय, 8 अध्याय आपकी मिस हो गई हैं, तो अगला जब लेवल 3 हो, अभी कंटिन्यू करते रहिए। इसके बाद भक्ति रसामृत, जब तीनों किताब खत्म हो जाएगी तो भक्ति रसामृत सिंधु फिर से शुरू हो जाएगी, तब वो 9 अध्याय आप कर लीजिए, ठीक है, या 8 अध्याय जितना भी छूटा है आपका वो कर लीजिए, आपको जैसा सहूलियत है। उसके बाद फिर असाइनमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हैं प्रभु, उसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है, ठीक है प्रभु। कुछ और समझना चाहते हैं? प्रभु जी, जो PDF है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या एक बार PDF आप शेयर कर सकते हैं इन बुक्स की? ईशोपनिषद की है, बाकी दो की नहीं है मेरे पास, जी, भक्ति रसामृत सिंधु की है, तो नहीं अगर है, आप ठीक है ठीक है, मैं अभी भेज देंगे आपको, नहीं है। ठीक है, भेज देंगे। हरे कृष्ण प्रणाम। विमला ब्रज रानी देवी दासी माता जी, हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्ण प्रभु श्री, दंडवत प्रणाम। अभी ये जो लेवल 3 चल रहा है तो उसका अटेंडेंस कैसे फिल होगा? हाँ माता जी, एक्चुअली अटेंडेंस के लिंक हमें मंदिर से अभी नहीं आए हैं, बन रहे हैं, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, तो शायद आपको अगले वीक से अटेंडेंस मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लिंक मंदिर से ही अभी पेंडिंग है माता जी, ठीक है, तो और उसके जी। मुझे मुझे YouTube लिंक भी चाहिए, ठीक है, आगे के कुछ कुछ छूट गए हैं तो वो मुझे वापस से सुनने हैं। ठीक, वो यूट्यूब लिंक आज मिल जाएगी माता, आज आपको भेज ओके, देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट कीजिए, पाप अनम्यूट कीजिए माता, कुछ प्रश्न है तो आपका। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। वही हरे सेम कृष्ण, प्रश्न था ऊपर जो अभी जस्ट प्रभु जी का था। मैं कल ट्रेवल कर रही थी तो क्लास अटेंड नहीं कर पाई, और वही 6th से ज्वाइन हुई, अध्याय 6 से, इसलिए आपने बताया भी यूट्यूब का लिंक भेजेंगे ना तो उसे देख लूंगी फिर। ठीक है, ये YouTube का सेम लिंक भी मिल जाएगा माता जी। और कुछ कन्फ्यूजन होता है, मान लीजिए उससे भी नहीं आता है, तो जब ये स्तर खत्म हो जाएगा तो फिर से शुरू होगा, तब उसमें भी कर सकते हैं, आपको जैसा और सहूलियत हो। वही असाइनमेंट के बारे में पूछना था तो आपने बता ही दिया, अभी थोड़ी देर में भेजेंगे आप। नहीं, ओके, असाइनमेंट वेबसाइट में, टेम्पल के वेबसाइट में अपलोड हो रहा है माता, अभी वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, शायद 3-4 दिन के अंदर ही अपलोड हो जाएगा, तो मैं जी आपको बता दूंगा माता। जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। उर्मिला माता, उर्मिला लखेरा माता जी, अनम्यूट हाँ कर। जी
जी हाँ जय कृष्णा प्रभु जी। मैं ये कह रही थी कि एक बार वो तीनों ही बुक्स के पीडीएफ एक साथ भेज दिए गए ना, जैसे मेरे पास केवल एक भक्ति और भक्ति रसामृत सिंधु की है, तो सारी तीनों एक जगह हो जाएगी, तो वो हम स्टार करके एक बार सेव कर लेंगे तीनों एक जगह। धन्यवाद। ठीक है, मैं करवा दूँ। डॉक्टर राखी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटी सी क्वेरी थी, अध्याय 8 में वर्जनीय अपराध में, वहां पे हमने 29 के बाद अन्य नियम इस प्रकार में लिखा है कि गणपति देव की पहले पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। पर अब तक तो हमने पढ़ा था कि किसी भी देव की जो है पूजा करने की जरूरत नहीं है जब हम कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, तो ये मतलब क्या है ये? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है। इसमें देखिए, शायद नीचे दिया हुआ गणपति की पूजा के बारे में दिया हुआ है। कि इसमें हाँ जी ये लिखा है कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान ऋ सिंह के चरण कमलों की पूजा बता देता करते हूँ, हैं। बताता हूँ। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यत पाद पल्लम युगम विनिधाय कुंभे, विनिधाय कुंभे तंभे लंभे गणाधि राजा, यानी गणपति जो है अपने ट्रंक जो सूंड है उसके माध्यम से भगवान के चरण कमलों को पकड़े रहते हैं। ठीक है, यद पाद पल्लम युगम विनिधाय कुंभे, अपने कुंभ से चरण कमलों को पकड़े रहते हैं। कौन से भगवान के? नरसिंह देव के, जो नरसिंह की पूजा करते हैं, और उनके माध्यम से वो शक्ति प्राप्त करते हैं ताकि जितने भी विघ्न जो हरते हैं, गणपति विघ्न हरते हैं ना, तो विघ्न हरते हैं, तो वो जो शक्ति वो उसको उनको कहाँ से प्राप्त होती है? वो उस शक्ति वहां से प्राप्त होती है, कहाँ से? नरसिंह देव की, जो पैर को पकड़ते हैं, वो बहुत बड़ी कथा है। पैर पकड़ते हैं तो वहां से नरसिंह देव की से वो शक्ति प्राप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे उल्लेख आया है कि गणपति का पूजा कर करके हम भगवान की पूजा करें। क्यों क्यों आया है? क्योंकि वो भगवान के ही शिष्य है। तो जब भी हम देखिए भगवान राम की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, उसी तरह नरसिंह देव की पूजा करते हैं तो गणपति की पूजा होना चाहिए। तो ये शास्त्रों के उल्लेख है कि हम अगर गणपति की पूजा करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, अगर उनके शिष्यों को पूजा करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। हालांकि आपका ये वाक्य भी ठीक है कि हम शास्त्रों में पढ़े हैं कि यथा तरु मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तद स्कंद पूजोपशाखा, कि अगर हम जड़ के एक वृक्ष के जड़ में अगर पानी देते हैं तो पूरे वृक्ष के जो सारे ब्रांचेस हैं, सारे फूल टहनियां हैं, जितने सबको पोषण मिल जाता है, वो भी ठीक है। परंतु यहाँ पे जब उल्लेख आ रहा है तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शास्त्रों में उल्लेख है। शास्त्रों में कहाँ उल्लेख है? ब्रह्म संहिता में। तो वैसे अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप कई मंदिरों में, जब जैसे आप जुहू के मंदिर में जाएंगे या फिर जुहू के इस्कॉन में जाएंगे या फिर आप इको विलेज जाएंगे, तो वहां पे आपको गणपति का जो इको विलेज है या जुहू है मुझे स्मरण नहीं, लेकिन आप पहले देखेंगे कि वहां गणपति का अक्ष विग्रह पहले है। तो ये साक्ष्य आता है माता जी, तो उन्होंने जो रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं वो शास्त्रों के अनुसार ही लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है माता। प्रभु जी एक इसी में ही आगे लिखा है कि जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो प्रभु जी 9 महीने पसीना ही आता रहता है। ठीक है, कुछ जितना भी नियम हो सकते हैं उन नियम को पालन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पसीना जो आपकी एक्चुअली मूल भाव क्या है माता, कि अपने शरीर की गंदगी से हम भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो ये मूल भाव है। देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर की गंदगी से रिलेटेड है। ठीक है, आप अगर नियम पढ़ेंगे तो हमारे शरीर की गंदगी से रिलेटेड बहुत सारी चीज है, पसीना भी इसी में से एक रिलेशन है। स्वच्छता, पसीना आना यानी आप स्वच्छ नहीं है।
परंतु अभी हमारा मौसम ही ऐसा हो गया है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जितना स्वच्छ रह सकते हैं या मंदिर में से इतना स्वच्छता ला सकते हैं उस तरह से लाने के प्रयास कीजिए, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, स्नान जरूर शुद्ध होकर के जाइए, ये जरूरी है। शुद्ध होकर के जरूर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, या फिर अपने घर के भी जो मंदिर हैं वो बिना शुद्ध के बिल्कुल नहीं प्रवेश करना चाहिए। और खासकर अगर शौच से आ रहे हैं, बिल्कुल मंदिर में प्रवेश नहीं करें, चाहे वो अपने घर के ही मंदिर क्यों ना, स्नान करके ही, किसी तरह का भी शौच हो, स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें। ठीक है, ठीक है, उर्मिला लखेरा माता जी, क्या प्रश्न है? जी माता, हरे वो कृष्ण। हो गया था प्रभु मेरा, वो गलती से हमारा हैंड रेज रह अच्छा, ठीक है, चलिए। चैट में भी कुछ है क्या प्रश्न? ठीक है जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृन्द की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी थ्री पार्टिसिपेंट हैज रेज द क्वेरी, क्या है आपके प्रश्न है माता? और भी बबीता साहू माता जी, प्रश्न क्या है, संशय है माता? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा तो भक्ति बुक में ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ, नोटिफिकेशन कोई नहीं आ रहा है कुछ भी। अच्छा, भक्ति वृक्षा में आप ज्वाइन नहीं हो, आप किसी ग्रुप में एडेड हो? आप किसी ग्रुप में है क्या? नहीं, 8 ग्रुप में हूँ। रात 8 बजे जो क्लास होता है, भागवत की क्लास। तो भागवत क्लास में है, तो आप माता जी का नंबर नोट कर लीजिए, वो आपको ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे, भक्ति वृक्षा के ग्रुप में। माता जी का नंबर, वसुधा दयावती देवी दासी माता जी का नंबर लेके उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको भक्ति वृक्षा ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन कर सकते। देवदासी ठीक माता जी, है, हाँ, वसुधा दयावती देवी दासी माता जी से आप और एक प्रभु कांटेक्ट। जी, जो ये जो क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद जो क्लास शुरू होगा, क्या फिर से रजिस्ट्री करना पड़ेगा? वो प्रक्रिया बताएंगे माता जी, अभी बहुत समय है, अभी पहला अच्छे से पढ़िए, इसको अध्ययन कीजिए। अभी तीन किताबें ठीक बाकी हैं, अभी तो हम लोग पहले किताब में ही हैं, वो धीरे धीरे पता निरंतर जुड़े रही, पता चल जाएगा। जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री कृष्ण। अनिता माता जी, क्या प्रश्न है माता? प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण माता। प्रभु जी, जब मंदिर जाते हैं इस्कॉन के, तो दंडवत प्रणाम कौन से साइड में किया जाता है, लेफ्ट या राइट में? लेफ्ट, बाएं साइड। लेफ्ट साइड। बाएं साइड, हमेशा बाएं साइड कीजिए। बाएं साइड कीजिए, और देखिए कि आपके जो पैर जहाँ पे आप दंडवत कर रहे हैं, ये कोशिश वैसे बाएं साइड करना है, लेकिन किस मंदिर का क्या डायरेक्शन, वैसे हर मंदिर उसी तरीके से होता है, परंतु आपको दंडवत नहीं, जैसे माता कह रही है, ये देखना है कि जो पैर का डायरेक्शन है, पैर के जो अपोजिट है, कोई अर्च विग्रह नहीं होना चाहिए। ठीक जी 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 प्रभु जी। है, ये मुख्य भाव ये होना चाहिए। और माताएं पंचांग करती हैं, ये आपको बता रहे, पंचांग होता है माताओं का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, बाएं करना चाहिए लेफ्ट, और पैर के अपोजिट आपके कोई विग्रह नहीं चाहिए नहीं होना चाहिए। जी। धन्यवाद प्रभु जी। और मंदिर जाते हरे हैं तो कृष्ण। मंदिर में भी दंडवत का एक तरीका है, सबसे पहले प्रभुपाद को दंडवत कीजिए। क्यों प्रभुपाद को दंडवत करते हैं? क्योंकि गुरु के माध्यम से ही भगवान हमारे हमारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं। ठीक है, जी तो गुरु, अगर हम भगवान गुरु को अपना प्रणाम देते हैं और फिर हम अर्च विग्रह को प्रणाम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, गुरु हमारे प्रणाम को स्वीकार करके हमारे प्राण प्रणाम को भगवान को अर्पित करते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम गुरु को कोई भी चीज को अर्पण करते हैं तो गुरु को अर्पण करते हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि गुरु गुरु उसको पहले ले लेंगे, क्योंकि हमारी कितनी शुद्धता है भगवान और ले ग्रहण करें नहीं करें मालूम नहीं। तो सबसे पहले हम गुरु, तो हमारी बहुत करुणा में ही होते हैं ना, तो गुरु क्या जी करते हैं, हम उनको अर्पित करते हैं, वो हमारे से लेके भगवान को अर्पित करते हैं। ठीक है, जी प्रभु, तो गुरु को हरे अर्पित। कृष्णा। वसुधा माता जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हरे कृष्णा। बबीता माता जी, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं है नंबर तो एक बार मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको पर्सनली जिस जो टाइम आपको सहूलियत होगा उसमें आपको इंक्लूड कर दूंगी। दो क्लासेस चल रही है माता जी, एक सुबह 6 बजे और एक शाम का 8 बजे भक्ति वृक्षा के, तो आपको जिसमें सुविधा होगी मैं उसमें आपको इंक्लूड कर दूंगी। मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए माता जी, 9051-9888-99। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, नमाचार हरिदास ठाकुर की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण सबका।